हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों, मैंने सेल्फ प्रैक्टिस 11B आपको कंप्लीट करवा दिया। आज हम बच्चों कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 11C को कवर करेंगे, और उससे पहले के जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट को भी हम कवर करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंगल, राइट? एंगल क्या होता है ना, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठना चाहिए। तो देखो, एन एंगल इज फॉर्म एज एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाई टू रेज मीटिंग एंड मीटिंग एट अ कॉमन इन पॉइंट। मतलब क्या होता है एंगल जो होता है ना, कह रहे कि दो रे जो मीट करता है और उसका जो इन एक जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे रे आपको पता है कि ये एक रे होता है, ठीक है, और ये एक रे होता है, ठीक है। रे आपको समझा दिया था मैंने कि रे में क्या होता है, एक इंड पॉइंट होता है, एक इंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, दो इंड पॉइंट जब मिलता है, यानी इस तरीके से ज्वाइनिंग कर लेता है, ये देखो आप ये ज्वाइन कर लिया आपने, ये देखो ये अब जो ये फॉर्म बना ना, दैट इज द एंगल, अंडरस्टैंड? तो ये हमारा एक रे था, ठीक है, ये एक रे था, एक रे और एक रे, इन दोनों रे को जब हमने अरेंज कर दिया ना एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे, तो ये हमारा एंगल बन गया, ठीक। अब आप यहां पे ध्यान दो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल का फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कह रहे, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, यानी ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस पर अभी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये जो पॉइंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो होता है ना बच्चों, ये बार, ये इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं, राइट। और ये क्या होते हैं? आर्म होते हैं। तो अब यहां से दो क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये कि एंगल में कितने आर्म्स होते हैं? तो दो आर्म्स होते हैं बच्चों, ये एक आर्म्स हो गया, ये एक वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो कह रहा है, द कॉमन इन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इनके और इनके जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। द एंगल फॉर्म टू रे इज कॉल्ड आर्म्स, और ये जो दो रे है ना, उसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया, डेली लाइफ में जो देखते हैं ना, उनमें दिया हुआ है। लुकिंग एट दिस फिगर यू कैन फॉर्म सम आइडियाज ऑफ एन एंगल्स। आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये और ये पार्ट एक एंगल बन रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट एक एंगल बन रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट एंगल बन रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एंगल बन रहा होगा। ये आप क्लॉक देखिए, इसमें भी देखो बच्चों, ये एक ये एंगल बन रहा है। ये सीजर आप देख रहे हैं, इसमें भी एंगल बन रहा है। तो मे बी ये सारे यूज, कई बच्चों को ये लगता है सर हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो देख रहे हो बच्चों कहाँ पे यूज हो रहा है इन बातों को। तो ये चीजें आप ध्यान से रखना, राइट, याद रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए एंगल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंगल को समझना, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत यूजेज होती है, ओके। सो हेयर इज द सिंबल, राइट, द सिंबल ऑफ सिंबल फॉर द वर्ड एंगल इज, राइट, दी, ये हमारा एंगल का सिंबल होता है। अब चलिए इसका नेमिंग की बात कर ले। तो नेमिंग एन एंगल्स, नेम जो है किसी भी एंगल का नेम लिखने का तीन तरीके हैं, यानी तीन वे है, थ्री वे है, राइट। सो हेयर इज दैट थ्री वे। पहला वे, यूजिंग द थ्री लेटर्स नेम्स इन ऑर्डर, तीनों लेटर को आप ऑर्डर में लिख सकते हो। अ पॉइंट इज वन रे, अ वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑन द अदर रेज। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये देखो एंगल का फॉर्म बना, ये वर्टेक्स है, ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बी ए सी भी लिख सकते हो या सी ए बी लिख सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए बीच में आने चाहिए, बस यही एक मेन पॉइंट है ना। तो आप समझ रहे हो ना बात को, तो या तो इससे इधर लो या फिर इससे इधर लो, ये चीज ध्यान रखना आप, क्लियर। तो बी ए सी या सी ए बी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये और ये नहीं भी लिखोगे ना तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल आप एंगल ए भी लिख सकते हो, ये एंगल ए भी लिख सकते हो आप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी लिखोगे तो पर भी करेक्ट होगा, या फिर आप, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीके ये है कि ये और ये ना लिख के आप एंगल वन भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगल वन दे रखा है ना, तो आप इस तरीके भी लिख सकते हो। तो तीन बात आपको समझ में आया, बी ए सी आ गया या फिर सी ए बी। तो एक तरीके तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, या ये तरीके से लिख सकते हो, या फिर ये तरीके लिख सकते हो,
है ना, आप समझ रहे हो बात को या नहीं। तो यही चीजें आपको इस वर्ड में समझाया गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि एंगल का जो नेमिंग है ना, आप तीन तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चंस कैसे है, किस तरीके से लिखना है, वो आप समझ जाओगे, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, तो अभी हमने समझा कि एंगल्स क्या होता है, अब समझेंगे हम लोग इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर। तो हमें यह बताना है एंगल के अंदर और एंगल के बाहर वाली चीजें को। तो देखो एंगल के अंदर, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे बच्चों ये एंगल्स, तो ये जो पॉइंट आप साइडेड देख रहे हैं ना, ये इंटीरियर है। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इंटीरियर पॉइंट बताओ तो पी हो जाएगा, और अगर हमें पूछा जाता है एक्सटीरियर पॉइंट बताओ तो क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये आर हो जाएगा। और लाइन पे अगर हमें बोला जाता है तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ये तीन बात आपको ध्यान में रखनी है। इंटीरियर पॉइंट तो एंगल के अंदर होगा, एक्सटीरियर पॉइंट एंगल के बाहर होगा, और एंगल पे ऑन एंगल, राइट, ऑन आर्म्स कह लीजिए आप, ऐसे समझिए आर्म, है ना। अगर कहता है कि भुजा पे है तो आप ये इस पे देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है। तो इससे तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटीरियर आपको समझ में आ गया, एक्सटीरियर समझ में आ गया, ऑन द लाइन या ऑन द रे भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए, तो चलिए अब इनके सेल्फ प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं। तो देखो सेल्फ प्रैक्टिस में क्या कह रहे बच्चे, सी में फॉर द गिवन फिगर ऑन द राइट, ऑन द राइट, राइट में दे रखा है, ठीक है, नेम द मार्क एंगल। अच्छा इसका एंगल आपको बताना है। तो देखो एक तो आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख सकते हो, जो मैंने यहां पे लिख रखा है, या फिर आप R, Q, P भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों, R, Q, P, है ना। तो ये दोनों सही है ना, ये गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप इनको एंगल Q भी लिखोगे ना तो पर भी सही हो जाएगा। ये भी मैंने आपको समझाया कि एंगल लिखने के तीन तरीके होते हैं, है ना, तीन तरीके होते हैं, तीनों से आप कोई भी तरीके लिख दो आपके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अच्छा अब देखो बी में कह रहे हैं नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। तो वर्टेक्स हमने क्या बताया था, जब दो रे एक जगह मीट करता है कॉमन पॉइंट पे, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां पे देखो वर्टेक्स हो रहा है, यानी क्यू पॉइंट क्या हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, तो मैंने क्यू लिखा, ठीक है। अब कह रहे नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अच्छा इस एंगल में आर्म्स लिखने हैं, तो क्या निकल लिख देगा आप, क्यू पी लिखोगे एक आर्म्स तो, और क्यू आर एक आर्म्स लिखोगे, वही बात मैंने यहां पे लिखा, क्यू पी एक आर्म्स रखा और क्यू आर एक आर्म्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे, लुक एट द गिवन फिगर एंड टिक द करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब यहां पे एंगल्स हमें दे रखा है ना, बी ए सी, सी ए बी बोल दो, अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है द वर्टेक्स इज। अच्छा वर्टेक्स क्या है, ए पॉइंट है, पॉइंट बी है या पॉइंट सी है। तो बच्चों आपका जो आंसर होना चाहिए ए पॉइंट होना चाहिए, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में देखिए द एंगल मे बी नेम्ड, इस एंगल के नेम्ड क्या हो सकते हैं, बी ए सी या सी ए बी। तो बी ए सी, बी ए सी ये बच्चों करेक्ट है, ए बी सी, ए बी सी गलत है, सी बी सी, सी बी सी ये भी गलत है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट दैट। अच्छा नेम कह रहा है हमको लिखने के लिए, इन द इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्स वाई जेड पे इंटीरियर अंदर की बात है बच्चों। तो अंदर में देखो क्या है, पॉइंट पी है, क्यू है और आर है, तो वही हमने लिखा पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब करें टू द एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई जेड पे एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए और बी क्या हो जाएगा एक्सटीरियर में हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा ऑन द आर्म्स, अब कह रहा है कि आर्म्स के ऊपर कौन कौन है, तो देखो आर्म्स के ऊपर कौन कौन है, एक्स है,
वाई है, एम है और जेड है, यानी ये चार पॉइंट है, वही मैंने यहां पे लिखा है, एक्स वाई जेड और एम भी लिखा है, तो ये चार पॉइंट्स इस पे लाइन पे थे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए कह रहा है ड्रॉ टू रे, ड्रॉ करना है टू रे पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से नेम द एंगल और उसका एंगल का नाम लिखना है। तो मान लो हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक पी क्यू रे खींच दिया, ये हो जाएगा हमारा पी कॉमन पॉइंट है तो ये पी हो जाएगा और ये हम इसको क्यू खींच लेते हैं, ठीक है, और ये हमने एक रे खींच दिया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर, तो पी जो है ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया बच्चों, पी क्या है हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, पी से आर ये हमारा एक रे हो गया और पी से आर पे हमारा एक रे हो गया, ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब कह रहे नेम द एंगल फॉर्म्स, इसका एंगल लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं आर पी क्यू लिख सकते हैं या क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी क्यू लिख दीजिए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं क्यू पी आर लिख सकते हैं या फिर एंगल पी भी लिख सकते हैं, ये तीनों बात आप क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते, है ना, क्योंकि मैंने तीन तरीके बताए, तो जो भी तरीके आपको समझ आ रहे आप ऐसे लिख लो आर पी क्यू लिख लो या क्यू पी आर लिख लो या फिर आप सिंगल पी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों आपका ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 11C होता है ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।